बटर इसमें 1-2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर, यहाँ पे चिकन को श्रेड कर लिया है मैंने, और ये देखें यहाँ पे ये है सॉल्ट, पेपर, वाइट पेपर और रेड चिली सॉस, और ये वेजिटेबल्स को हमने इस तरह से ब्लांच कर लिया है, और कुछ वेजिटेबल्स शिमला मिर्च और हरी मिर्च ये इस तरह से मैंने वो कर लिया है, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को मैंने छोटा छोटा श्रेड कर लिया, चॉप कर लिया थोड़ा सा, तो फिर यहाँ पे ये हमारा अनियन हो गया, चिकन को जब मैंने वो किया था बॉईल किया था उसमें सॉल्ट, पेपर और गार्लिक पाउडर और वाइट पेपर ये ऐड कर दी थी उसमें, लेकिन अब हम वेजिटेबल्स के लिए इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ये ब्लैक पेपर, ये भी 1/4 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी चिकन में मैंने ऐड की हुई है, थोड़ी सी ये चिली सॉस, और थोड़ी सी सोया सॉस, ये जो वेजिटेबल्स हैं ये अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, चिली सॉस, वाइट पेपर, साथ ही यहाँ पे ये जो हमने शिमला मिर्चें और हरी मिर्चें की थी ये वो ऐड कर देंगे इसमें,
तो आज यहाँ पे हम बेसन जो पकोड़ा मिक्स होता है वो बनाएंगे। तो ये इसका हम 4 LB का पैकेट ओपन कर लेते हैं। 2 किलो बेसन है ये देख लीजिए। और इसको हम पहले स्टीम कर लेंगे, अच्छी तरह से इसमें छान लेंगे और फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं डाल के ये इसमें मैं थोड़ा सा करके इस तरह स्टेन कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। तो ये ऑलरेडी हम लोग अपना पकोड़ा मिक्स बना के रेडी करके रख लें। इसका एक इसकी ट्रिक एक देती हूँ मैं आपको कि इसको फौरन आप जल्दी जल्दी किस तरह से छान सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने ग्लास में बेसन को भरना है और ऐसे इसको, अगर ये बनी बड़ी हो छानी तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखें कितनी तेज़ी से हो रहा है। तो इस तरह ये देखें कितनी तेज़ी से आपका बेसन जो है वो छन जाएगा। कोई तो देर भी नहीं, टाइम भी नहीं लग रहा। और ये देखें हमारा एक ग्लास बेसन हो भी गया। कोई लम्स नहीं है। इसी तरह से ये मैं सारा कर लेती हूँ बेसन और फिर आपको दिखाती हूँ। ये रख रही हूँ पकोड़ा मिक्स बना के, इसका रख रही हूँ। बस अब इजी होगा, रमज़ान में निकाला और बस आपने पानी ऐड किया अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और कंसिस्टेंसी के हिसाब से। चलें जी, इसका काम तो हो गया। तो ये बेसन हो चुका है हमारा। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि हैं नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, 1.5 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून ये जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और बिल्कुल 1/4 टीस्पून जो है हमारे पास ये हल्दी है और सुर्ख मिर्च पाउडर है और इसी के साथ ये चाट मसाला है और ये है अजवाइन, अजवाइन डालेंगे और फिर उसके साथ है ये थोड़ा सा क्रश किया हुआ धनिया और ये है थोड़ा सा पार्सले, बिल्कुल ज़रा सा, 2 चुटकियाँ पार्सले है और ये है ज़ीरा। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ, ये सिट्रिक एसिड भी है, ये आपको दिख रहा है, सिट्रिक एसिड भी है इसमें। थोड़ा सा ये इसलिए डालेंगे कि इससे जो है इसमें कोई वो स्मेल नहीं रहेगी और वो बिल्कुल हमारा जो है बेसन फ्रेश रहेगा। और कुछ काफ़ी दिन के लिए, आप 30 दिन के लिए भी स्टोर इजीली इसको कर सकते हैं। सो इसको हम अब मिक्स करके, और आपने ध्यान इसमें ये रखना है जब ये मिक्स करेंगे और इस मसालों में आपने सोडा नहीं ऐड करना, बेकिंग पाउडर, सोडा, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं ऐड करनी। वो सिर्फ जब आप लोगों ने मिक्स बनाना है ना निकाल के, उस टाइम पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये 1.5 किलो की क्वांटिटी के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन बचा लिया, मुझे ज़्यादा लग रहा था मसाले के हिसाब से। तो 2 किलो अगर क्वांटिटी है आपकी बेसन की तो इनको 2 टेबल स्पून कर दीजिएगा मसालों को। मिर्चें अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा कर लीजिएगा, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। और जो वो है ना बाकी के मसाले वो 2 टेबल स्पून कीजिए ऐड, और जो अजवाइन है वो तो 1 टीस्पून ही ऐड होगी। जितना मर्जी भी बेसन हो उतनी ज़्यादा अजवाइन नहीं अच्छी लगती। ये मैंने पकोड़ा मिक्स देखे आपके सामने बना लिया, मिक्स कर लिया। अब हमने इतना ज़बरदस्त ये बन चुका है, इसको अब हम इसमें जार में डाल के सेव करके रख लेंगे। कुछ मैं इसमें डालूँगी, कुछ बाकी दूसरे जार्स में डालूँगी। तो ये स्टोर करके मैं इसको रख लूँगी तो हमें रमज़ान के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि बस अब हम निकालेंगे, मिक्स करेंगे और पकोड़े फ्राई कर लेंगे। जो भी इसमें वेजिटेबल्स ऐड करनी है, प्याज हो गया, पालक हो गई,
हरी मिर्चें हो गई और आलू हो गए, जो भी आपको पसंद हो, प्याज, उसमें पकोड़ा मिक्स में पकोड़े बनाने हैं जिस चीज़ के भी, तो वो आप इजीली जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसमें डाल के सारा का सारा, और फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो गिर रहा है इसके ऊपर ना जाए, मैस तो होगा ही है, देखें दोनों दा साइड पे गिर गया, क्योंकि ये जो जार है मेरा ये छोटा है, थोड़ा सा बड़ा जार होना चाहिए था इसके लिए। और बिलफर्ज आपको जब ये आप बनाएंगे पकोड़े निकाल के इसके, तो अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो वो आप और ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी ऐड नहीं कीजिएगा इसमें, तो बाकी सब कुछ काफ़ी है। और चाहें तो इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर लें, वो हमारे घर में नहीं पसंद किया जाता इसमें पकोड़ों में, ज़रा डाइजेस्टिव के लिए अच्छा हो जाता है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरा इसी में आ गया, मुझे लग रहा था कि दूसरे किसी और बर्तन में भी मुझे इसको रखना पड़ेगा, तो ये आ ही गया। नीचे मैस हो रहा है, कोई बात नहीं, हम कौन से इतने प्रोफेशनल हैं। तो ये जो है, बहरहाल मसाला आप याद रखिएगा, इससे बनाइएगा पकोड़े और बहुत अच्छे लगेंगे। जब आपने पकोड़े बनाने के लिए निकालना है ये बर्तन में, तो उसमें सोडा, चावल का आटा और अपने हिसाब से नमक मिर्च आप वो सेट कर लीजिए, और सोडा उस वक्त ऐड कर लीजिए। और आपको मैं एक और टिप दूंगी, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो पकोड़े हैं खस्ता और क्रिस्पी बने बिल्कुल, तो उसके लिए आप उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दीजिए। दही की वजह से ये होता है कि वो जो है ना पकोड़े, वो ऑयल भी ज़्यादा नहीं लेते, तो उससे ये है कि आपका क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। सो ये हमारा ये बन गया, आप देख सकते हैं पकोड़ा मिक्स रेडी है। ये देखें, इजी हो गया काम, टाइम सेविंग। और ये मैस जो है ये मैं साफ़ कर लेती हूँ। किचन में काम करते वक्त तो ये सब कुछ तो होता ही है। फिर अब यहाँ पे ग्रीन चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें है पुदीना थोड़ा सा और धनिया, हरी मिर्चें, तो एक जवा लहसुन का, और ये लेमन और सॉल्ट, बस ये कर लेंगे। और ये मैंने आपको बताना था, ये जो मैंने बाकी का बेसन रखा है ना, इसको अब मैं क्या करूँगी कि वो जो हम दही फुलकियाँ बनाते हैं ना, उसमें इतने सारे मसाले तो नहीं होते, उसमें सिर्फ नमक मिर्च और अजवाइन और एक ज़ीरा, ये तीनों चीज़ें डाल के इसको मैं छान के डाल के, और अगर आपके पास बॉक्सेस नहीं है तो ये जो फ्रीज़र बॉक्स पैकेट्स होते हैं, ये जिप लॉक्स, तो ये जिप लॉक्स भी आप इजीली जो है वे देखें यूज़ कर सकते हैं। मेरा बल्कि ख़त्म हो रहे हैं, हो गए हैं, अब लास्ट वन ही है। तो ये मैं इसके अंदर डाल के और सारा ये मतलब इस तरह से सेव कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो यह है कि आपको इसके लिए भी आसानी हो जाएगी, वो तो हमारा हो, ये तो हो गया ना हमारा पकोड़ा मिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा दही फुलकियाँ जो हमारे घर बनती हैं। हमारे घर बेसिकली माश की दाल वाली नहीं बनती, वो किसी को डाइजेस्ट ही नहीं होती, वो पसंद भी नहीं आती, तो वो नहीं बनती। ये वाली जो है वो सिंपल दही फुलकियाँ बनती हैं, जिसमें सिर्फ नमक मिर्च और जो है वो ज़ीरा और अजवाइन होता है, बस और कुछ भी नहीं। तो व्यूअर्स, ये मैंने देखे छान लिया, और अब हम इसके लिए ये करेंगे कि इसमें एक टीस्पून ये एक टीस्पून अजवाइन, सॉरी हाफ टीस्पून अजवाइन, वन टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, वन टेबलस्पून सॉल्ट, और ये
ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा, ज़्यादा नहीं। ये सिर्फ फुलकियों, ये सिर्फ फुलकियों के लिए इस तरह से करके, या इस तरह हाथ से करके थोड़ा सा धधर करके इसको ऐड करेंगे तो बहुत मज़े की प्यारी सी खुशबू इसमें आ जाती है। और ये हमारा बस बन गया दही फुलकियों के लिए जो मिक्स है, दही फुलकियाँ मिक्स बन गया। और मैं अब ये इसके अंदर अपने जिप लॉक में इसमें डाल के और इसको सेव कर लेते हैं बस। ये भी आप इजीली साइड पे कर सकते हैं। ये तो पकोड़ा मिक्स बन गया हमारा, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं। सब्जियां काटी और बस ये ऐड किया और बस तैयार हो गया, पकोड़े बन जाएंगे फिर। तो इसी के साथ वो स्प्रिंग रोल का भी मेरा बैटर ठंडा हो चुका है, तो अब हम स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। तो बस अब ये हम इसमें जिप लॉक में पोर कर देंगे सारा। जैसे देगों में से चावल निकालते हैं इस तरह से मैं इसके अंदर ये पोर कर रही हूँ प्लेट में डाल के। जैसे ये ख़त्म होगा मैं इसी तरह से और बना के रख लूँगी, इसका तो कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं है। असल तो पकोड़ा मिक्स का मसला होता है, इतने सारे मसाले डालने होते हैं, सुगत इतनी जल्दी पड़ी होती है अफ्तारी के टाइम पे, कोई मसाला कहीं गिर रहा होता है, कोई कुछ कहीं गिर रहा होता है, तो बहुत सारा मल्टीटास्किंग हम कर रहे होते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा ही मसला हो जाता है कभी कुछ और होता है कभी कुछ। तो इसका ये है कि आप पहले से ही बना के और इस तरह से रख लेंगे तो ईजी हो जाएगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। किसी दिन कुछ और ट्राई किया इस तरह, इसके साथ जो है वो खाना बनाने का भी हमें टाइम मिल जाता है। इस तरह के पकोड़ा मिक्स और रोल्स और समोसा बने हुए पड़े हुए फ्रीज़र में, फ्रोज़न आइटम्स बनी हुई हो ना, जैसे चटनियाँ हो गई, पकोड़ा हो गए, वो सॉरी रोल्स हो गए, समोसे हो गए, तो ये सारा कुछ रेडी हो तो फिर जो खाना बनाना होता है ना साइड पर, खाना भी तो बनता है ना, तो उसके लिए टाइम मिल जाता है। वंस अगेन ये मैस हो गया है, इस पर ना जाए मैस तो हो ही जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पकोड़ा मिक्स, ये हो गया व्यूअर्स पकोड़ा मिक्स। और ये हो गया हमारा, देखते हैं उसको से निकल गया की मिक्स, ये हो गई फुल की मिक्स। इट्स पकोड़ा मिक्स एंड दिस वन इज फुलके मिक्स, ये हो गया। ये यहाँ पे हमारी चटनी हो गई है रेडी। बस इसको यहाँ पे इसमें करके स्पैचुला से बहुत आसान हो जाते हैं काम। बस ये इसी तरह से पोर करके इसको फ्रीज कर दूंगी मैं।
बाद इसको फ्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा बैटर ठंडा हो चुका है, जिसमें से ये निकालते हैं मांडा पट्टियाँ, इसको एक एक करके। यहाँ पे ये मैंने स्लरी बना ली है इसकी मैदे की, तो इसको ना बना के थोड़ी देर के लिए आपने रखना है ताकि इसमें ना ये लचक थोड़ी सी पैदा हो जाए। अभी मैं इसको 5 मिनट और रखूँगी, जब तक मैं इसकी जो ये पट्टियाँ हैं ये अलग कर लेती हूँ। तो आप इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा गीला टिश्यू पेपर रख देंगे ताकि वो थोड़ी सी, इसको ऐसे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा ये इस तरह, ये देखिए इसमें लचक अब पैदा हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। थोड़ा सा यहाँ लगाएंगे, एक इस तरह से